नमस्कार। आज देश के सामने सुबह सुबह एक बहुत बड़ी खबर आई। वो खबर देश की लगभग 60% आबादी से सीधी जुड़ती है। वो खबर देश की राजनीति को प्रभावित करती है सीधे तौर पर। और तब उस खबर की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है जब उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत 5 राज्यों में चुनाव होना हो हाल में। जी हाँ, आज सुबह ठीक 9 बजे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करने आए, उस वक्त तक किसी के जहन में नहीं था कि मोदी जी 3 कृषि कानून, जिनके खिलाफ 14 महीने से ज्यादा वक्त से हजारों किसान धरने पर हैं, उन कानूनों को वापस ले लेंगे। क्योंकि कानून वापस नहीं होंगे, इसी बात पर तो 11 बार किसान और सरकार की बातचीत टूटी। किसान कहते थे कानून वापस हो, उसके बाद दूसरी बात। सरकार कहती थी कानून वापस नहीं होंगे, और कोई बात करनी हो तो आओ। इसी के चलते 11 बार कृषि मंत्री और सरकार के दूसरे मंत्री और किसान नेताओं के बीच में बातचीत असफल हुई। टकराव का एक लंबा दौर चला। आज अचानक से प्रधानमंत्री जी ने उन 3 कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया। इसी महीने के अंत में संसद का सत्र है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि इसी सत्र में, जो इसी महीने होना है, उसी में सरकार इन 3 कानूनों को वापस लेने की जो एक संसदीय व्यवस्था है, प्रक्रिया है, उसको पूरा कर लेगी। राजनीतिक बहस छिड़ गई इस फैसले पर। भाजपा की ओर से कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के हित में निर्णय लिया। प्रधानमंत्री जी ने सुबह कहा भी था किसानों के लिए कानून लाए थे और राष्ट्र के लिए वापस ले रहे हैं। भाजपा ने उसी लाइन को आगे बढ़ाया है कि राष्ट्र के लिए वापस ले रहे हैं। दूसरे हाथ पर विपक्ष है, जो ये साबित करने पर अपनी सारी ऊर्जा लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी पराजय के भय से ये निर्णय लेने के लिए सरकार को राजी किया, और खासतौर पर उसमें भी उत्तर प्रदेश और पंजाब, 2 राज्य। तीसरा कोण किसानों का है। कानून वापस हो गए, लेकिन किसान धरना स्थल से वापस जाने को तैयार नहीं। वो अभी भी कह रहे हैं कि 2 चरण हैं हमारे सामने। पहला चरण, हम देखेंगे कि संसद इन 3 कानूनों को संवैधानिक और संसदीय व्यवस्था के तहत निरस्त करे, एक। और दूसरा, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP, उस पर कानूनी गारंटी वाला एक कानून भी बनाया जाए। और जब तक ये दोनों काम नहीं हो जाते, तब तक खटोला यहीं बिछेगा, यानी किसान आंदोलन स्थल को छोड़कर नहीं जाएंगे।